आज पुलिस कॉमेमोरेशन डे है, यानी आज पुलिस मार्टियर्स डे है और आज तमाम उन पुलिस के शहीद जवानों को याद किया जा रहा है जो देश की खातिर मर मिट गए, अपने प्राणों की आहुति दे गए। तो आज जो है श्रद्धांजलि समारोह आयोजित किया गया है सांबा के डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन में। यहां पर तमाम जिला पुलिस सांबा के आला अधिकारियों के साथ साथ तमाम जो डिग्निटरीज हैं शहर के वो यहाँ पहुंचे और उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। कुछ तस्वीरें हमने कैमरा में कैप्चर की हैं शहीदी समारोह की, वो तस्वीरें आप देखें। उसी के साथ साथ एसएसपी सांबा विनय कुमार जी क्या कुछ कहते हैं, डीडीसी चेयरमैन और डीसी सांबा क्या कुछ कहते हैं इस रिपोर्ट को देखें। लेकिन शहीदों को याद जरूर करें, उनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित जरूर करें। 21 अक्टूबर हर वर्ष की तरह पुलिस कमेमोरेशन डे के तौर पर मनाया जाता है। ये 1969 से ही ये प्रथा चली आ रही है। हर एक जिला हेडक्वार्टर में एक परेड का आयोजन किया जाता है जिसमें शोक शस्त्र यानी कि सलामी जो है हम पेश करते हैं अपने सब शहीदों को। उसमें शहीदों के परिवारों को भी इसमें बुलाया जाता है, उनको सम्मानित किया जाता है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में जितने भी ऑफिसर्स हैं, डीसी साहब, डीडीसी चेयरमैन, आर्मी ऑफिसर्स, पैरामिलिट्री फोर्सेस के ऑफिसर्स, सिविल सोसाइटी के सब प्रोमिनेंट सिटीजन इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। जैसा आपने देखा आज सांबा में सभी लोग यहाँ पर आए हुए थे और उन्होंने अपनी श्रद्धांजलि और संवेदनाएँ प्रकट की। फैमिलीज के जो प्रॉब्लम्स रहती हैं वो हम हर दिन सुनते भी रहते हैं, उनको रिजॉल्व करते हैं और आज एक मौका और होता है उनकी फैमिलीज के साथ इंटरेक्ट करने का और उनकी कोई पेंडिंग इश्यूज हो उनको रिजॉल्व करने का। तो आज हमने अपनी वचनबद्धता जो पूरी पुलिस फोर्सेस जितने भी हैं पूरे के पूरे हिंदुस्तान की पुलिस फोर्सेस इनके परिवारों के प्रति और अपने शहीदों को हम हमेशा याद रखते हैं, इस चीज़ का प्रमाण आज का दिन रहता है। पूरा राष्ट्र आज उनको श्रद्धांजलि पेश कर रहा है। मैं धन्यवादी हूँ सब लोगों का जिन्होंने आज परेड में आके अपनी श्रद्धांजलि पेश की और इनके परिवारों का जो है हौसला बढ़ाया और उनके दुख में शिरकत की। धन्यवाद। मैं सबसे पहले तो जो हमारे पुलिस के साथी शहीद हुए हैं ओवर द पीरियड उनको श्रद्धांजलि प्रकट करूँगा। उनकी फैमिलीज के साथ मैं उनके साथ शामिल होकर उनको एक श्रद्धांजलि पेश करते हैं। और ये मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि देखें, हम बॉर्डर्स पे लड़ते हैं, हमें पता होता है कि कहाँ से एनिमी आ रही है, लेकिन ये जो हमारे पुलिस के कर्मी हैं ये देश के भीतर लड़ाई करते हैं, हमारे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हैं, तो इनको ये पता नहीं होता कि दुश्मन कहाँ से आएगा। तो इनका जो सेक्रीफाइस है, इनका जो बलिदान है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस अज्यूम करता है उस तरीके से अगर देखा जाए तो। तो ये है कि मार्टायर्स जो हैं वो चले जाते हैं, कुर्बानी दे देते हैं अपनी लाइफ की और हमारी सुरक्षा के लिए, हमारी रक्षा के लिए। उनकी फैमिलीज जो पीछे रह जाती हैं उनके लिए सरकार ने काफ़ी कदम उठाए हैं, लेकिन ये जो ऐसे हम दिवस मनाते हैं पुलिस मार्टाइज डे, पुलिस कमेमोरेशन डे, तो इस पे ये है कि हम हर साल उनको एक बार फिर से अपनी श्रद्धांजलि देते हैं और ये याद कराता है कि हम जो यहाँ पर सुरक्षित हैं, हमारे जो नागरिक सुरक्षित हैं, हम लोग सुरक्षित हैं, ये इन लोगों की कुर्बानी के कारण, इनके माटाई दम के कारण है। मैं इनको फिर से एक बार श्रद्धांजलि देता हूँ। जय भारत, जय हिंद। ये जो आज पुलिस स्मृति दिवस जहाँ जो मनाया गया है, मैं इस मौके पर यही कहूँगा कि ये जो 1969 की जो एक हमारे जो वीर हैं उनके बलिदान की गाथा है और उसी के साथ साथ चाइना की जो मकारी है उसको दर्शाती है और कैसे हमारे जो जवान हैं उन्होंने अपनी प्राणों की जो है परवाह ना करते हुए कैसे अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए वो निकले हुए थे और उन पर घात लगाकर जो हमला किया गया था और उसके बाद जो उनकी जो हमारी उनकी डेड बॉडी थी वो भी हमें कम से कम 3 हफ्ते बाद मिली थी। और इससे उसी दिन से जो हमारा 1960 को ये किया गया था कि हमारे जितने भी पुलिस फोर्स हैं, जो हमारे प्रमुख जहां जहां भी हमारे पुलिस के फोर्स के लोग हैं, वो उस हेडक्वार्टर पे इस स्मृति दिवस के रूप में मनाएंगे और उसी के तहत ये आज जो है मनाया गया है। और सभी लोगों ने जहां उन हमारे बलिदानियों को, हमारे वीरों को जिन्होंने माँ भारती की रक्षा के लिए अपने प्राण दिए हैं, उनको याद करके उनको फूल मालाएं अर्पित की गई हैं और साथ ही साथ उनके योगदान को याद किया गया है। आज इस मौके पर उन शहीद परिवारों के परिजन भी जहां पर आए हुए थे और उनके आंखों में नमी थी, उनकी आंखें नम थी, किसी बहन ने अपने भाई को
किसी माँ ने अपने बेटे को और किसी वीर नारी ने अपने सुहाग को खोया है और इस माँ भारती की रक्षा के लिए बलिदान किया है। एक तरफ तो जहाँ उनकी आंखों में नमी थी और उनकी नम आंखों को देखकर हर चेहरे पर उदासी थी, और दूसरी ओर उनको थोड़ा गर्व भी है कि हम उनके जो उनके परिजनों को गर्व भी है, हमें भी उन पर गर्व है कि उन्होंने माँ भारती की रक्षा के लिए अपने प्राण जो है निशावर किए हैं।